नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो आज तारीख है 15 अगस्त और एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन है हम सभी भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में और आज हम भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे, किस तरीके से आप इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे, कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास जो रहेगा वो आज मैं खाली रहूंगा पूरे दिन, तो कम से कम आपके कमेंट ही पढ़ लूंगा। और वैसे तो मैं रोज आपके कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जानूंगा आपके बारे में भी। तो अगर आप अपने बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आज जरूर कमेंट करिएगा। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त 2020 को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, यानी अभी तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कार्यकाल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि द्वारा। इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री स्वनिधि, यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। आत्मनिर्भर निधि का मतलब यह हुआ कि इस तरह की योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन दिया जाने वाला है कोलेट्रल पे, मतलब इसमें कोई भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोविड 19 के दौरान बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, खासकर उनका जो रेडी और पटरी लगाते हैं, मतलब कि जो फेरी वाले होते हैं, क्योंकि उनका बहुत छोटे से अमाउंट से वो अपना धंधा शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, और ऐसे में वो अमाउंट भी उनके पास नहीं रहा, तो उनको वापस से अपने काम पर जाने के लिए इस तरह की योजना लाई गई थी। और हाल फिलहाल अभी एक आंकड़ा आया गया है कि लगभग 5 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है। तो हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, और ये टारगेट भी था इनका कि हम 5 लाख तक कम से कम लोगों को लाभ पहुंचाएंगे इतने समय के अंतर। तो पीएम स्वनिधि योजना 2 जुलाई को शुरू की गई थी और 1 लाख ऋण के आवेदन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना कोविड 19 महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित आर्थिक राहत पैकेज का ही एक हिस्सा है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष में 10,000 रुपए तक का पूंजीगत ऋण प्रदान करेगी, और ऐसा नहीं है कि आप इसे वापस नहीं करेंगे, आपको इसको वापस करना है। अगर आप समय पर वापस कर देंगे तो 7% वार्षिक ब्याज की दर से आपको जो सरकार है वो ब्याज दे देगी, सब्सिडी दे देगी। तो उससे क्या होगा, आपका जो लोन है वो काफी हल्का हो जाएगा, और प्रति माह अगर आपने मासिक किस्त चुकाई तो आगे जाके भी आप लोन लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप नहीं चुकाते हो तो आगे जाके आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य देश भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन के बाद काम फिर से शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से जो ब्याज लग रहा है उसमें भी आपको जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर भी सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई है, इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई को की गई। दूसरा पॉइंट ये बन सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसको पीएम स्वनिधि योजना कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट ये बन सकता है कि कितने लोगों को लाभ देने के लिए बोला गया है, तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ देने के लिए इस योजना में बोला गया है। एंड द फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, 10,000 रुपए तक का ऋण इसमें प्रदान किया जाएगा। ये गारंटी नहीं लेना है, मतलब कि इसमें कोई कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा एक और योजना मेरे दिमाग में आ रही है, मुझे लगता है कि शायद आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। आपको याद होगा कि गरीब रोजगार कल्याण योजना नाम से एक योजना आई थी, इसको अभी हाल ही में जून में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और ये बिहार के एक जिले से शुरू की गई है योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है और इसके बारे में आज आपको कमेंट सेक्शन पर यह भी लिखकर बताना है कि ये गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है ये बिहार के किस जिले से शुरू की गई थी। तो आज ठीक चल रहा है, क्योंकि कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बड़ा तेज निकल जाता है, आज मैं तेज जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्रार्थना करूंगा कि हो जाता है कभी कभी, तो उसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर दिया करें, मेरा तेज बोलने की थोड़ी आदत है, तो मैं इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक अभी आपको सारे पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए हैं पीएम स्वनिधि योजना के तहत। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। देखो, जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है उस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी भी हमारे रहने के लिए कम पड़ जाएगी, और वैज्ञानिक जो हैं वो अभी से इस तलाश में लगे हुए हैं कि कहीं पृथ्वी के बाहर कहीं और जीवन मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग चले जाएं। जैसे कि मंगल मिशन लॉन्च किए गए, लगातार 3 मंगल मिशन लॉन्च किए गए 1 महीने के दौरान, एक यूएई ने लॉन्च किया,
एक आपका चाइना ने लॉन्च किया और एक परसेवरेंस नासा ने लॉन्च कर दिया। लेकिन अभी एक अच्छी खबर सुनने को मिली है कि एक अच्छी खबर सुनने को मिली है कि एक क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह या आप डार्फ प्लैनेट भी उसे बोल सकते हैं, तो वहां पर नासा का जो डॉन स्पेसक्राफ्ट है वो पहुंचा। तो उसने हालिया आंकड़ों के मुताबिक ये बताया कि वो जो डार्फ ग्रह है जिसका नाम सिरस है, क्या नाम है सिरस, जो मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वजह से मुझे अपने बचपन में मार खानी पड़ी थी। एक बार हमारे मास्टर साहब ने हमसे पूछा कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है वो किसके किसके बीच में है, हमने बता दिया मंगल और शनि के बीच में, बस फिर क्या था, मास्टर साहब ने कुटाई कर दी हमारी। तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है वो किन ग्रहों के बीच में, या क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉइड माना जाता है, चट्टानों का एक समूह माना जाता है, छोटी छोटी चट्टाने हैं जो एस्ट्रॉइड से बनी हुई हैं, वो उनकी चट्टाने। लेकिन अभी इसका देखा गया कि सिरस के बारे में बातचीत की गई, तो इसको पहले भी एस्ट्रॉइड माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये काफ़ी बड़ा है, इसका व्यास जो है वो 950 किलोमीटर है। ऐसे में इतना बड़ा होने की वजह से इसको बौना ग्रह कह दिया गया। बौने ग्रह वो होते हैं जो एस्ट्रॉइड, यानी कि जो आपके एस्ट्रॉइड होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, एस्ट्रॉइड और ग्रह से बीच में आते हैं, मतलब वो क्षुद्र ग्रह से तो बड़े होते हैं बट ग्रह से छोटे होते हैं। तो ये सिरस है, सिरस में पता चला है कि भाई वहां पर पानी मिल रहा है, पानी इस तरह से है कि वहां पर जमीन के नीचे पानी पाया गया है और वो पूरी तरह से बर्फ के रूप में जमा हुआ है, उसके पूरे पूरे लक्षण मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर जल मिल जाए वहां पर मानव उत्पत्ति हो सकती है, वहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो पहले यह माना जाता था कि बौना ग्रह बंजर है, लेकिन एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चला है कि यह पानी से भरपूर जगह है और खारे पानी का एक बड़ा और गहरा भंडार यहां पर उपलब्ध है। वर्ष 2015 में डॉन अंतरिक्ष यान सिरस पहुंचा था, जो पृथ्वी के चंद्रमा से एक बहुत छोटा चंद्रमा है, पृथ्वी के चंद्रमा से बहुत छोटा। बात करते हैं डॉन की, तो डॉन अंतरिक्ष यान जो है ये 2 सितंबर 2007 को पृथ्वी से रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था, नासा ने छोड़ा था। इसका मेन उद्देश्य सिरस का अध्ययन करना और वेस्टा, वो भी एक क्षुद्र ग्रह है, उन दोनों का अध्ययन करना है। 27 सितंबर 2007 को लॉन्च किया गया था, 41,260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, बाप रे बहुत तेज है। तो ये पता चल गया कि डॉन जो है ये एक यान है जो शोध करने के लिए गया है, ये सिरस और वेस्टा नामक दो क्षुद्र ग्रहों की जांच करेगा। इसके अलावा अभी 3 आपके मंगल मिशन लॉन्च किए गए हैं जो फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंच जाएंगे, जिसमें से सबसे ताकतवर मिशन है परसेवरेंस, ये नासा ने लॉन्च किया है, 30 जुलाई को लॉन्च किया था इसको। यूनाइटेड अरब अमीरात का है होप मिशन, ये पहला मंगल मिशन है जो किसी अरब कंट्री ने लॉन्च किया। और तियानवेन 1 ये जो है ये चाइना का मंगल मिशन है, और ये तीनों ही मिशन 2021 तक पहुंचेंगे, जिनमें से सबसे ताकतवर जो मिशन है वो परसेवरेंस है। परसेवरेंस में एक हेलीकॉप्टर को रखा गया है जो मंगल पे जाएगा, रोवर मिशन है, वहां पे बकायदा लैंडिंग होगी और फिर उसके बाद वहां से नमूने एकत्र किए जाएंगे और फिर वापस आएगा। तो नासा के मिशन का नाम है परसेवरेंस, यूनाइटेड अरब अमीरात का जो मिशन है, संयुक्त अरब अमीरात का जो मिशन है उसका नाम है होप, और आपका तियानवेन 1 जो है ये आपका चाइना का है। सिरस की बात करें तो सिरस हमारे सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह के घेरे में स्थित एक बौना ग्रह है, इसका व्यास 950 किलोमीटर है, त्रिज्या 473 किलोमीटर है, परिक्रमण काल 1682 दिन है, इसका खोज 1 जनवरी 1801 ईस्वी पे किया गया था, और उसके बाद से इसको एस्ट्रॉइड माना जाता था, लेकिन बाद में इसको 2007 में पता चला कि इतना बड़ा है कि इसको आप बौना ग्रह कह सकते हो। अगली जानकारी है, भारत आजकल मालदीव के ऊपर काफ़ी मेहरबान है, काफ़ी सारा लाइन ऑफ क्रेडिट और काफ़ी सारा पैसा मालदीव को दिया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मालदीव जो है वो चाइना का व्यापार केंद्र है, और ऐसे में अगर मालदीव भारत की तरफ झुक जाता है तो चाइना जो हमें बॉर्डर पर आंखें दिखा रहा है तो उसको थोड़ा सा झटका जरूर लगेगा। तो हाल फिलहाल 50 हज़ार करोड़ का जो है ये एक डॉलर 50 हज़ार करोड़ डॉलर का जो है एक लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया गया है। भारत सरकार ने मालदीव के प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर पर देने की बात की है। 400 मिलाएंगे 100 मिलाएंगे तो 500 मिलियन हो जाएगा, जिसको 50 करोड़ कह सकते हैं। तो हाल फिलहाल यह 6.7 किलोमीटर का एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें 6.7 किलोमीटर का एरिया है, एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसके जरिए क्या किया जा रहा है, इसके जरिए मालदीव के 3 पड़ोसी द्वीप हैं जिनसे उससे कनेक्टिविटी की जा रही है, जैसे लोगों को असुविधा होगी तो
तो ये गुली फाउ नाम का एक द्वीप है, एक बिलिंगलीकर का द्वीप है, एक थिलाफुसी है और इससे जोड़ा जाएगा। ये मालदीव का अब तक का सबसे बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो माली को 3 पड़ोसी देशों से जोड़ेगा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलि ने सितंबर 2019 में एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान GMCP यानी कि ग्रेट माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत से सहायता मांगी थी। इस कदम को मालदीव में सत्तारूढ़ MDP मालदीवियन डेमोक्रेट पार्टी के एक प्रमुख चुनावी वादे के तौर पर भी देखा गया था। इस GMCP परियोजना में 6.7 किलोमीटर तक फैले पुल और कार्यवाहक लिंक का निर्माण भी शामिल होगा। आप देख रहे हैं कि मतलब मालदीव एक द्वीपी कंट्री है तो उससे वो जुड़ रहा है, एक लिंक बनाए जा रहे हैं जिससे ये 3 द्वीपों से कनेक्ट हो सके। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो समुद्र में ये लिंक बनाने हैं, तो इसके लिए भारत की सहायता ली जा रही है। भारत ने कितने सहायता देने की बात की है, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि अगर मालदीव को जरूरत पड़ेगी तो इतना पैसा वो ले सकता है, और 100 मिलियन डॉलर का तो वो अनुदान ही दे रहा है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी से पहले मालदीव के बारे में कुछ और जानकारी, अभी हाल फिलहाल क्या क्या हुआ। मालदीव को अभी हाल ही में 18 मिलियन क्रेडिट लाइन जो है वो बढ़ाई गई है, और ये मिशन सागर के अंतर्गत है। मिशन सागर में क्या कर रहा है, भारत अपने पड़ोसी जो भी समुद्री देश हैं उनको असिस्टेंस पहुंचा रहा है, सहायता पहुंचा रहा है। और इंडिया और मालदीव ने अभी हाल ही में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस माले में डेवलप करने के लिए साइन किए थे। इसके अलावा मिशन सागर में INS केसरी जो है वो सेशल्स गया था ताकि वहां से मिशन सागर के अंतर्गत जो भी COVID-19 में फंसे हुए पेशेंट हैं उनको बचाया जा सके। और मिशन सागर के अंतर्गत ही जो मेन उद्देश्य है वो ये कि पड़ोसी जो भी हमारे समुद्री देश हैं उनका थोड़ा सा मदद किया जा सके। मालदीव की बात करें तो राजधानी माले है, रुपिया चलता है वहां पे एज ए करेंसी, और इब्राहिम मोहम्मद सोलि जो है वर्तमान समय में वहां पे राष्ट्रपति है। अगली जानकारी, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रचा है इतिहास और अब तक बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी PM। प्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त 2020 को सबसे अधिक सेवा करने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के साथ सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। यह रिकॉर्ड इससे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के पास रहा कि जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे वो सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने सभी कार्यकाल को मिलाकर 2268 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, और 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़कर यह उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार लगातार 7वीं बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फैलाएंगे। वैसे तो सबसे ज्यादा बार 17 बार पंडित नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फैलाया है। सबसे ज्यादा दिन तक रिकॉर्ड अभी भी नेहरू जी के पास ही है कि 16 साल 9 महीने 12 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे, जबकि उसके बाद इंदिरा गांधी 15 साल 11 महीने 17 दिन तक प्रधानमंत्री रही, फिर मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल 2 माह 19 दिन, और अब अटल बिहारी वाजपेयी से आगे निकल गए हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगली जानकारी है, एक बड़ी ही मतलब वैश्विक राजनीति में एक बड़ा ही उथल पुथल देखने को मिला कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने आपस में हाथ मिला लिए हैं। आप देखिए तो आपको याद होगा कि 6 दिन का जो युद्ध चला था वो 1967 में, जिसमें इजराइल ने 8 अरब देशों को उनके दांत खट्टे कर दिए थे, और अकेला लड़ा इजराइल और कई सारे जो अरब कंट्री मिलकर लड़ने आए थे उनसे लड़ा और बाकायदा उसने जीत हासिल की थी। एक दिन में ही युद्ध समाप्त कर दिया था क्योंकि उसने मिस्र के सभी वायुयानों को उड़ा दिया था। अब ऐसे में इतने लंबे समय तक चली आ रही दुश्मनी को अब बड़ी मुश्किल से उसको दोस्ती के आगाम पे रखा गया है, दोस्ती के आगाज पे लेके आए हैं। तो ये अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी संबंध होंगे बाकी देशों के साथ उनमें कर पूरे तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। तो ऐसी कौन सी वजह रही कि वाकई में बेंजामिन नेतन्याहू को आने पड़ा संयुक्त अरब अमीरात से हाथ मिलाने के लिए, तो इसके पीछे अमेरिका का बड़ा रोल माना जा रहा है। और क्योंकि अमेरिका की बात करें या आप इजराइल की बात करें, तो दोनों ही जगह जैसे प्रधानमंत्री यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू और वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही स्थिति जो है वो COVID-19 की वजह से उनकी जनता की नज़र में बहुत दोषारोपण हो रहा है उनके ऊपर कि COVID-19 में को वो अच्छे से संभाल नहीं पाए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप लेना जरूरी था जिसकी वजह से थोड़ा सा अपनी छवि को सुधारा जा सके। आई थिंक ये शायद उसी लिए लिया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है। दोनों देश के बीच में कई साल से चल रही दुश्मनी एक नए समझौते के साथ महत्वपूर्ण हो गई है और वो खत्म भी हो गई माना जा सकता है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। ये बड़ी बात है कि इजराइल जैसा देश जो लगातार अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ता रहा वो फिलिस्तीन को छोड़ने वाला है, और इसकी वजह से फिलिस्तीन को भी थोड़ी सी नाराजगी हुई। उसको लगा कि संयुक्त अरब अमीरात ने उसको धोखा दे दिया है, तो उसने संयुक्त अरब अमीरात में जो अमीरात के जो राज संयुक्त अरब अमीरात में जो उसके राजदूत थे उनको वापस बुला लिया।
यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए राजी हो गया है। ऐसा करने वाला वो पहला खाड़ी देश बना है। अभी तक कोई भी खाड़ी देश ऐसा नहीं है जिसने ये शुरू किया हो। गल्फ कंट्री कोई भी ऐसी नहीं है। हालांकि अरब कंट्री की बात करें तो इससे पहले भी मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल ने अपने राजनयिक संबंध शुरू कर दिए थे। तो अब संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में दोस्ती हो गई है। ये है तिब्बती दलाई लामा। अभी हाल ही में एक पुस्तक की चर्चा छिड़ी कि तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांच ऑल्ट के साथ मिलकर एक पुस्तक तैयार की है। उस पुस्तक का नाम है आर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। आर ओनली होम इट्स ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस पुस्तक में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वालों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। यानी कि इस तरह से अपील की है कि भाई किसी तरीके से जो बच्चे आ रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन है उनको आप किसी तरीके से बचाइए और किस तरीके से बचा सकते हैं ताकि हम जलवायु परिवर्तन जो हम लगातार अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं उसमें जलवायु पर भी ध्यान दें। तो पुस्तक का नाम ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यही है, आर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इसके लिए बच्चों के समर्पित 2019 के प्रकाशन एक किया था द सीड ऑफ कॉम्पेशन द लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इस पुस्तक को भी बच्चों के लिए समर्पित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें दलाई लामा के बारे में तो दलाई लामा जी का ओरिजिनल नाम है तेंजिन ग्यात्सो जो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था और ये 14वें दलाई लामा है। दलाई लामा जी के ऊपर अभी जुलाई में उनकी बायोग्राफी रिलीज हुई थी और वो बायोग्राफी रिलीज की थी उनके पुस्तक का नाम था हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये बायोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है और ये पुस्तक इस साल मतलब कई एग्जाम में पूछे जाने लायक है तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसको लिखा था तेंजिन गेचे थेटोंग जो दलाई लामा के क्लोजेस्ट सलाहकार रहे, 40 सालों से उनके पूरे तरह से सलाहकार रहे हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है तेंजिन गेचे थेटोंग। तो इस पुस्तक के ऊपर जो विश्वसनीयता है दलाई लामा को लेकर वो भी काफी बनी हुई है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी और एक पुस्तक फ्रांस के पत्रकार के साथ उन्होंने मिलकर लिखी है उसका नाम है आवर ओनली होम द क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। दो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रांस ऑल्ट के साथ है ये और ये पुस्तक है जो तेंजिन गेचे थेटोंग। पुस्तक का नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। इसको आप याद रख सकते हो, ज्यादा आसान है। अगली जानकारी है गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे। खाजा जो होता है मतलब कि बेसन का होता है और उसको गुड़ वगैरह में पाक के बनाया जाता है। पाकने का मतलब होता है गुड़ वगैरह में चाशनी में डुबो के उसको निकाल लेते हैं और फिर उसको सुखा देते हैं तो वो बड़ा मीठा सा हो जाता है। तो गोवा के पारंपरिक त्यौहार मीठे पकवान खाजा और मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला यानी जिसे मोयरा केला बोला जाता है उसको GI टैग दिया गया है। तो खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों में और मोयरा केला को क्लास 31 के तहत GI टैग मिला है। क्लास 30 में उनको रखा जाता है जिनको प्रिपेयर किया जाता है यानी कि जो प्रिपेयर फूड होते हैं और जो नेचुरल फूड होते हैं उनको क्लास 31 में रखा जाता है। तो बिसोलिम आधारित ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन AGKPA ने 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे के GI टैग के लिए आवेदन प्राप्त किया था और अब जाके उसे GI टैग प्राप्त हुआ है। मेंदोली बनाना गोवर्स एसोसिएशन इमरामपुर पेरनेम ने मोयरा केले के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था और अब उनको मिला है। वहीं हरमल पेरनेम चिल्ली ग्रोअर्स एसोसिएशन ने हरमल के लिए GI टैग आवेदन किया था। जब किसी भी चीज को GI टैग मिलता है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है बिकॉज GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक। इससे यह पता चलता है कि किसी खास जगह, जैसे आपने सुना होगा कि भुसावल के केले बहुत प्रसिद्ध है और इसी तरह बनारस की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, तो अगर कोई किसी भी साड़ी को बोल दिया जाए कि ये बनारस की साड़ी है तो वो उसके पीछे एक टैग हो गया, एक तरह से एम्बेसडरिंग हो गई, एक तरह से उसका ब्रांडिंग हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हर कोई अपने प्रोडक्ट के लिए GI टैग प्राप्त करना चाहता है। अगली जानकारी है इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। एरो 2 मिसाइल किसकी है? इजराइल की भूमसागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल का परीक्षण किया गया था। एरो 2 इंटरसेप्टर ने स्पैरो टारगेट मिसाइल को शामिल किया जो एक सतह से मिसाइल तक लंबी दूरी तक मार करने वाली भी है। नियोजित प्रक्षेपक का प्रदर्शन किया गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एरो 2 का प्रक्षेपण किसने किया है, वो है इजराइल। इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, राजधानी है जेरूसलम और राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन, मुद्रा चलती है शेकेल।
अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। राजीव त्यागी जी का भी हाल ही में निधन हो गया। ये कांग्रेसी नेता थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया। कहा जा रहा है कि एक टीवी डिबेट के दौरान जब संबित पात्रा ने इनको पर काफी ज्यादा इनको जैचन कहकर पुकारा, इसकी वजह से इनकी तबियत बिगड़ गई और बाद में इनका देहांत हो गया था। तो राजीव त्यागी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये किससे संबंधित थे? कांग्रेस नेता की पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और वह उत्तर प्रदेश इकाई के लिए पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता के रूप में भी कार्य कर रहे थे। अगली जानकारी है, 13 अगस्त को हर साल हम लोग वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सामान्य मनुष्य को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंगदान का मतलब ये होता है कि जैसे आपका हृदय है, लीवर है, गुर्दे है, आंत है, फेफड़े और अग्नाशय का दान उसकी मृत्यु के पश्चात जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर सकते हैं जिससे उसकी जान बच सकती है। तो 13 अगस्त को हर साल मनाते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। हाल ही में कांग्रेसी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव त्यागी। सिरिस क्या है जिसे नासा द्वारा हाल के एक अध्ययन में संदर्भित किया गया है? तो वो एक बौना ग्रह है और जिसको डॉन नाम का जो नासा का यान है वो उसका वो उसको एग्जामिन कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। तो किस राज्य ने अरुण ओडोई योजना की शुरुआत की है? तो वो है असम। अरुण ओडोई योजना थोड़ा सा छूट गई मेरे से, अरुणोदोई योजना, इस योजना को असम सरकार ने शुरू किया है। असम सरकार ने इसके पीछे क्या किया है, 830 रुपए पर मंथ की सब्सिडी देने की बात की है। उनको दिया जाएगा, 17 लाख परिवारों को टारगेट करने का प्लान है। जो अभी खाना वगैरह नहीं बना पा रहे हैं या जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उनको कम से कम वो बेसिक चीजें अपनी खरीद पाएंगे 830 रुपए पर मंथ में। किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया? तो वह है इजराइल। और पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य देश भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन के बाद काम फिर से शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार ने मालदीव में प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात की है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? चौथे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बल्कि अगर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये सबसे अधिक तक पद में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक शांति समझौता कराने में मदद की है। जलवायु परिवर्तन पर एक नई किताब आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये किसने लिखी है? ये फ्रांस ऑल्ट ने लिखी है और इसको दलाई लामा इसका विमोचन करेंगे। किस राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालादार हर्बल मिर्च और मिंदोली केला के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी कि उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो है गोवा से संबंधित है। और प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। अब बारी है आज के क्विज की। किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो वह है इजराइल। और किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो ये असम राज्य ने शुरू की थी। अरुणोदय योजना 830 रुपए पर मंथ सब्सिडी प्रदान की जाएगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। हाल ही में कांग्रेसी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजीव त्यागी। और सिरिस क्या है? ये एक डार्क प्लैनेट है यानी कि बौना ग्रह है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत देश में कितने लाख वेंडरों को सहायता देने की बात की जा रही है? 50 लाख वेंडरों को सहायता देने की बात की जा रही है। और भारत सरकार मालदीव में प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के अंतर्गत कितने मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त 2020 को सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति की सहायता से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, शांति समझौता हुआ। जलवायु परिवर्तन पर एक नई किताब और ओनली होम इज द क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड दलाई लामा के साथ जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांच ऑल्ट के साथ मिलकर लिखा गया है। किस राज्य के खाजे हर्बल मिर्च और मिंदोली केला को भौगोलिक संकेत प्राप्त किया गया? तो वह है गोवा। मिंदोली केला कहां पाया जाता है? गोवा में पाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। देयर शुड बी 13 अगस्त, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।